नमस्कार दर्शक बंधुरा, अमृत कथा चैनल जाना अपन सुस्वागतम। बंधुरा आज के अपन सामने ये भिडियोते एक अत्यंत प्रासंगिक विषय निये आलोचना करब और ता हलो गंगा जल के क्यों पवित्र जल बला है, क्योंबा विभिन्न मांगलिक काजे बा पूजो अर्चनार क्षेत्र गंगा जल आम्रा व्यवहार करे थाके एवं सर्वोपरि केनईबा बछरेर विशेष विशेष दिने गंगा स्नानेर कथा बला हुए थाके। बंधुरा गंगोत्री हिमबाह थेके जे गंगार उत्पत्ति से गंगा नदीर संगे धर्मीय महत्व जड़िये आछे अंगांगी भावे। सनातन धर्मे एई नदी के स्वर्गेर नदी बोले गण्य करा हुए थाके। बर्तमाने एटी भारत एवं बांग्लादेशेर विस्तीर्ण अंचल दिए प्रवाहित, एटी पृथिवीर सर्वापेक्षा बृहत् नदी प्रणाली समूहर मध्य अन्यतम एक नदी। किंतु प्रश्न होच्छे केनईबा गंगा नदी माँ बा देवी हिसेबे पूजिता हन, केनईबा तार जल एत पवित्र जे जल छाड़ा कोनो पूजाई सम्पन्न है ना, एमन कि कोनो व्यक्तिर मृत्युर पर तार आत्मा तखनी शांति पाए जखन तार मुखे गंगा जल देया हय एवं तार अस्थि गंगाय विसर्जन देया हय जाके आम्रा तर्पण बोले थाकि। आज ए भिडियोर माध्यमे आपनादेर सामने ए समस्त प्रश्नेर उत्तर उद्घाटन करब। आशा करी दर्शक बंधुरा ए भिडियोटी आपनाके समृद्ध करबे, ताई भिडियोटी शेष पर्यन्त मनोयोग सहकारे देखुन एवं देखार पर ए संक्रांत कोनोरूप कोनो प्रश्न बा मतामत थाकले निजेर कमेंट बक्से अवश्यई जानाबेन। बंधुरा गंगा जल के पवित्र जल हिसेबे गण्य करार पेछने मूलत दुटी कारण रयेछे, प्रथमटी आध्यात्मिक बा धर्मीय एवं द्वितीयटी वैज्ञानिक। सबार प्रथमे आध्यात्मिक दिकटी आपनादेर सामने तुले धरब, जार माध्यमे आमरा जानते सक्षम हब गंगा नदीर एई पृथिवीते उत्पत्ति हलो किभाबे। कारण एई विषयटी जुग जुग धरे गंगा नदीके पवित्र हिसेबे गण्य करे रेखेछे। बंधुरा पौराणिक मते एई नदीर अधिष्ठात्री देवी गंगा पर्वतराज हिमालयेर कन्या छिलेन, तिनि अभिशाप प्राप्त हन जे ताके नदी रूपे प्रवाहित होते हबे। प्रथमे गंगा भगवान विष्णुर चरण धौत करे आकाश गंगा मंदाकिनी नामे स्वर्गे प्रवाहित छिल, जे कारणे ताके स्वर्गेर नदी गण्य करा हतो। ए स्वर्गेर नदी गंगा केनई बा मरते एलेन, एर पेछने जे पौराणिक घटनाटी रयेछे ता हलो सूर्यवंशीय राजा सगर एक बार एक बिराट अश्वमेध यज्ञेर आयोजन करलेन। तिनि जदि एई यज्ञे सफल होते पारेन ताहले तिनि दैव शक्ति लाभे सक्षम हबेन। एई जेने देवराज इंद्र ईर्ष्यान्वित हुए पड़ेन, तिनि एई यज्ञ विफल करार जन्य यज्ञेर अश्व चुरी करे कपिल मुनिर आश्रमे रेखे आसेन। सगर तार पुत्रदेर प्रेरण करेन अश्व खुजे बेर करते। सगर पुत्ररा अश्वटी कपिल मुनिर आश्रमे खुजे पे कपिल मुनिकेई चोर भावते शुरू करें। ध्यानस्थ मुनि एई अपमाने क्रोधाग्नि हुए सगर पुत्रदेर भस्म करे दें एवं सगर राजेर यज्ञ एर फले असम्पूर्ण थेके जाए। तार पुत्ररा निखोज जेनेई मृत्युबरण करें सगर राज। एई सगर पुत्ररा मृत्युर पर अतृप्त थेके जाए। सगरेर पुत्र अंशुमान परवर्तीते पिता और पितृव्येर ब्यापारे समस्त जानते पेरे आश्रमे गिये क्षमा चान एवं तादेर मुक्तिर उपाय जानते चान। कपिल मुनि तखन जानान जदि स्वर्गश्रोता गंगा के तादेर भस्मीभूत हबार स्थानेर उपर दिये प्रवाहित करा जाए तबेई तारा मुक्ति पाबेन। अंशुमान एवं तार पुत्रदेर केउ तपस्या करे देवी गंगा के तुष्ट करते पारलेन ना। एरपर तादेर वंशधर दिलीपेर पुत्र भगीरथ बुद्धि करे ब्रह्मार तपस्या शुरू करें। तपस्याय ब्रह्मदेव तुष्ट हन। भगीरथ ब्रह्मार निकट गंगा के मर्ते प्रवाहित करार बर चान। ब्रह्मा गंगा के आदेश दें
मर्ते प्रवाहित होते। किन्तु गंगा जानान तिनी जदि एई पृथिवीते नामेन ताहले समस्त सृष्टि प्लावित हुए जाबे। ताहले उपाय कि? गंगार गति नियंत्रण करबार जन्य भगीरथ एरपर भगवान शिवेर तपस्या शुरू करलें। भगवान शिव तार तपस्याय सन्तुष्ट हुए गंगा धारणे सम्मत हन। एरपर शुरू हय गंगार मर्ते आरोहणेर पाला। भगवान विष्णुपद धौत गंगा के ब्रह्मा तार कमंडलुते धारण करलें। ब्रह्मा गंगार धारा के धरा अभिमुखे प्रक्षिप्त करें। कैलाशे दंडायमान भगवान शिव गंगा के तारपर तार जटाय बेधे फेललें एवं तारपर तिनी एके एके जटा छिड़े छिड़े गंगा के विभिन्न शाखाय मुक्त करलें। गंगार एकटी भाग के भगीरथेर पश्चाद्धावनेर निर्देश देया हलो। सेई अंशटी भगीरथेर पिछने पिछने अग्रसर होते थाके। एई धाराय कपिल मुनिर आश्रमेर सम्मुखे भोगवती नामे प्रवाहित हुए सगरेर पुत्रदेर मुक्तिदान करे। भगीरथ एई गंगा आनयन करेछिलेन बोले गंगार अपर नाम हय भागीरथी। बंधुरा स्वर्गेर नदी एई गंगाके आह्वान करा हुएछिलो मूलत आत्मार मुक्तिर जन्य, ताई तिनी मुक्ति प्रदायिनी। भगवान विष्णुर पदधौत जल अर्थात चरणामृत हलेन गंगा, ताई पाशापाशी ब्रह्मार कुमंडली थेके तार उत्पत्ति एवं तिनी शंकर मौली निवासिनी अर्थात भगवान शिवेर जटाई तार बास। एई जन्य गंगा अति पवित्र एकटी नदी। जाह्नवी एई गंगा त्रिदेवेर काछ थेके बर प्राप्ता जे तार संस्पर्शे समस्त पतित जीव उद्धार पाबेन एवं तार एई जल दिए समस्त रकमेर अशुचि एवं अपवित्रताके दूरीभूत करा सम्भव हबे। जे कारणे गंगार जलके सर्वदा पवित्र हिसेबे गण्य करा हुए थाके। तबे बंधुरा शुधुमात्र आध्यात्मिक कारणे नय, वैज्ञानिक दृष्टिभंगी थेकेओ गंगार जल पवित्र। वैज्ञानिक गवेषणाय एई विषयटी देखा गिएछे हिमालय थेके गंगार जले सूत्रपात हवार कारणे एर साथे विभिन्न औषधि एवं गुल्म मिशे रयेछे, जार फले गंगा जल एकजन रोगीर शरीरे ম্যাজিকের মতো কাজ করে। গঙ্গার মধ্যে ব্যাকটেরিওফাজ নামে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে। দূষক পদার্থ নাশে সক্ষম, যার ফলে প্রাকৃতিকভাবেই গঙ্গার দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। অন্যদিকে বর্ষা ঋতু বাদ দিলে গঙ্গার জলে অন্যান্য নদীর থেকে 25% বেশি অক্সিজেন বিরাজ করে, যা গুণমানের দিক থেকে অন্যান্য নদীর তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। পাশাপাশি গঙ্গোত্রী হিমবাহর গোমুখ গুহা থেকে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা বঙ্গোপসাগরে মেশার আগে পর্যন্ত তার যাত্রাপথে প্রায় 100 কোটি প্রাণীর তৃষ্ণা নিবারণ করে থাকে এবং সর্বোপরি গঙ্গার জলে মিশে থাকা ঔষধি গুণ একদিকে যেমন বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে বিশেষভাবে সাহায্য করে, পাশাপাশি গঙ্গার জলে স্নান করার একটা আলাদাই মাহাত্ম্য রয়েছে। গঙ্গার জলে থাকা খনিজ লবণ, ঔষধি গুণ এবং শুদ্ধতার জন্য গঙ্গা স্নান একটি পবিত্র পুণ্য ফলপ্রদায়ী কাজ হিসেবে আজও বিবেচিত হয়ে আসে। সবশেষে যে কথা বলবো, প্রাকৃতিক সৃষ্ট কারণে গঙ্গার যে দূষণ তা গঙ্গা নিজেই দূরীভূত করতে সক্ষম হলেও এই কলিযুগে মনুষ্য সৃষ্ট কারণে আজ যেভাবে আমরা গঙ্গাকে দূষিত করে চলেছি তার অবশ্যই প্রতিরোধের প্রয়োজন। আশা করি দর্শক বন্ধুরা এই ভিডিওটি আপনাকে সমৃদ্ধ করেছে। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। সকলেই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এই কামনা করে আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম। নমস্কার, ধন্যবাদ। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।